वेलकम टू द आरएफआर। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं पेपर बोट के स्विंग रिंग। नमस्कार, जय हिंद। जैसा एक और ने बताया कि आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पेपर बोट के स्विंग और स्विंग प्लस का जो है यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन जूसियर ड्रिंक्स। तो अब इसका बहुत सारा फ्लेवर आता है आपको, बहुत सारा इसको पनवाड़ी दुकान में आपको देखने मिलता होगा, पूरा ही भरा रहता है भाई। सब कॉलेज का बच्चा लोग सिगरेट पीते हुए यही चुस्की मारते हैं और जमीन में फेंक के चले जाते हैं। तो आज है हमारे पास गुआवा मिक्स्ड मैंगो मिक्स्ड पोमेग्रेनेट ऑरेंज और लीची। याद करना पड़ा था मेरे को एक मिनट इसके पहले। जी हाँ, तो भाई ये स्विंग का है। लास्ट समर हम लोग रिव्यू करने का सोचे थे बट उस समय समर ही निकल गया था। तो समर निकलने के बाद हम लोग रिव्यू कर नहीं पाए, तो इस समर हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि हम लोग भी देख ले कि वो कॉलेज के बच्चों को क्या पसंद आता है इसमें, जो हमें भी आ सकता है कॉलेज के बच्चे। तो ठीक है, तो क्योंकि अभी तो यूथ है ना इंडिया, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले दियार वर्षाम को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और भयानक एंटरटेनिंग रिव्यूज आप तक तुरंत पहुंच जाए। वो तो सही बात है भाई। तो भैया ये 10 रुपए का आता है सारा, 150 ml। इसमें भी मार्जिन ज्यादा रखा नहीं है, इसका भी वही है। 600 ml थोड़ा या तो सस्ता करना चाहिए था या तो ये थोड़ा महंगा करता। पेपर बोट का मार्केटिंग हमको बना दो मैनेजर। भाई देखो क्या गाढ़ा है, और ये किसका जैसा लग रहा है आपको, कुछ देखने में समझ में आ रहा है? मेरे को तो अरे हंसने का क्या है भाई, जाना पहचाना चीज है ये। बट मैं सुना हूँ कि ट्राई तो नहीं करा, बट सुना हूँ कि स्विंग बहुत सॉलिड है। पीते हैं उधर से पिए, नहीं है तुम उधर से पिए। चलिए गुआवा लूची हमको पसंद नहीं होता, लीची का तो बात करेंगे। अरे बा, मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको सीड्स भी इसमें पता चल रहा, पता है गुआवा का आपको पसंद नहीं आया क्लियरली। ये देखो बस अमरूद का दो तीन तरह का, मतलब इसका नेचुरल हाँ। फॉर्म में भी दो तीन वेरिएंट तरह का होता है। अगर ज्यादा पका हुआ का फ्लेवर कुछ और रहेगा, थोड़ा सा मीडियम पका हुआ का कुछ और रहेगा, कच्चा का कुछ और रहता है। ये ज्यादा पका हुआ अमरूद का है, जो मीठा होता है, जो बूढ़ा अमरूद जिसको बोलते हैं, जो बसबसा अमरूद, जो और मेरे को टेस्टी लगता है, मेरे को मीठा होता है। तो खैर मिल रहा है सब्जेक्ट। अगर आपको पका हुआ अमरूद जो सॉफ्ट अमरूद रहता है उसका टेस्ट पसंद है तो आपको ये आएगा आएगा पसंद। बेसिकली अमरूद का फ्लेवर आ रहा है वो चीज है। मैंगो पे आते हैं, मैंगो तो एक ही टाइप का होता है ना मीठा वाला। ये वही ये कैसा लग रहा है, रियल का जैसा फ्रूट जूस वगैरह जो हम लोग ट्राई किए थे मैंगो, रियल का नहीं, ये फ्रूटी वूटी टाइप का लग रहा है। ये वो मैंगो बाइट आता था ना, हाँ हाँ मैंगो बाइट, मैंगो बाइट ऑरेंज वाला, वैसे ही है एकदम, उसका बस लिक्विड वाला फॉर्म में है। बट अच्छा है, ठीक ही है, याद दिला रहा है उसका मेरे को। तो ये है भाई मिक्स फ्रूट मेडले। गौर की बात ये है, गौरव बताइए। नहीं तुम्हें बताओ भाई, गौर का बात हमको अभी गौर का बात है क्या पता है कि यहाँ पे जूसियर ड्रिंक लिखा है और जूस नहीं लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ड्रिंक में जूस मिला दिया। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग को चल कपट हो रहा है, चल गला रहा है। लेकिन ठीक है भाई, अगर 10 रुपए मिल रहा है आपको ठीक ठाक अगर है तो सिगरेट बढ़िया चलेगा है क्या? सिगरेट बाद में भाई। पोमेग्रेनेट जेस्टी, ठीक है, मतलब ये वन ऑफ द अच्छा फ्लेवर मिक्स फ्रूट आइटम है जो मेरे को पसंद आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है लेकिन पोमेग्रेनेट से उम्मीद है। अगर आपको पोमेग्रेनेट पसंद है, फ्रेश पोमेग्रेनेट भाई, भाई ये तो कैसे पुल ऑफ किया घर में आप उसको, अगर आप खाओगे इवन आप उसका जूस बनाओगे तो कुछ ऐसे ही निकल के आएगा। इनफैक्ट पॉमग्रेनेट जब खाते हैं तो लास्ट में बीज चबाने के बाद जो टेस्ट आ जाता है, वो जो टेस्ट होता है भाई वो आप खा के आपको पता चलेगा। बट बहुत सही है, एकदम नेचुरल, एकदम मतलब नेचुरल होगा नहीं बट मतलब सामने नेचुरल ले आएंगे तो एकदम ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर
आपके पास नहीं है आसपास कुछ रेफरेंस, कुछ तो नेचुरल लग भी सकता है पता है, बिकॉज़ ये मतलब ऑब्वियसली पोमग्रेनेट जूस नेचुरल जो होता है वो काफी ज्यादा लाइक उसमें कलर पिगमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है और वो एकदम तुरंत स्टेन मारता है, ये उतना स्टेन नहीं मारेगा बट कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा और टेस्ट तो उससे भी ज्यादा मतलब अगर आप हाँ वाह वाला है, वाह वाला चीज है वाह पेपर ऑरेंज ऑरेंज टाइप का लग नहीं रहा है, ऑरेंज तो लेमन लग रहा है, ऑरेंज तो पानी लग रहा है भाई, ये संतरा पीते हैं ओआरएस ग्लूकोंडी ग्लूकोंडी मिठास मतलब 10 रुपए के लिए पिया जा सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरे को रिफ्रेश करना है अपने आप को तो आई कैन हैव ऐसे, पर मैं पोमग्रेनेट लेना चाहूंगा उस बेसिस पे, उस बेसिस पे ये भी अच्छा है, जस्ट दैट इसका थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कम है मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसे मीठा पानी लग रहा है थोड़ा सा ऑरेंज थोड़ा सा, और ये है भाई लीची 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 का तो भाई अपना पहला रेफरेंस आता है प्राण का लीची जूस लीची ड्रिंक, शायद आपने पिया होगा, नॉट वेरी गुड ऑल्सो, मतलब इसका सारा थोड़ा सा लाइक 10 रुपए के हिसाब से देखिए मैं ज्यादा कंप्लेन इसमें कर नहीं सकता, पॉइंट वो है क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से आपको क्या ही ये खराब टेस्ट नहीं कर रहा है वही बहुत बड़ा बात है, मतलब ऐसा ऐसा ये ड्रिंक तुम पे इम्पैक्ट मारा है कि अगर तुम कल को जाके जाते हो मेरे को रास्ता में मिले और धूप एकदम हाँ और मेरे पास ये सब फ्लेवर्स हो तो किसी एक फ्लेवर को मैं चूज कर सकता हूँ एटलीस्ट इतना जा सकते हो रिफ्रेशमेंट, ओके तो कौन सा फ्लेवर मेरे को कौन सा तुम मल्टीपल बता, प्रेफरेंस है तो अगर मेरे को मैंगो जैसा अच्छा लग सकता है मैं मैंगो ले सकता हूँ, ओके और इवन नहीं ऑरेंज मैं नहीं थोड़ा प्रेफर करूँगा, मैं मिक्स फ्रूट प्रेफर करूँगा और थोड़ा हेल्दी, भाई ये तो बहुत अच्छा था मैंगो और मिक्स फ्रूट तुम्हारा है, लीची प्राण का ही है ये नहीं लो, हाँ लीची में प्राण को ही मेरे लिए सिंपल ये पोमग्रेनेट ही है बस जो मैं ले सकता हूँ और कुछ हद तक मिक्स फ्रूट मेडले मैं ले सकता हूँ तो वो यही दोनों है, ऑल्दो स्विंग मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था, तुमने कभी ट्राई किया था? कभी नहीं, कभी। और पिछले साल का सोच लीजिए आरावेरा के लिए हम लोग इतना डेडिकेटेड है कि हम लोग एकदम ऑथेंटिक और नेचुरल अपना रिव्यू रखना चाहते हैं, इसके लिए पूरा साल वेट नहीं किया था उस दिन उस समय भी खरीदने का सोचे थे बट पिया नहीं और पी भी नहीं पाया, रिव्यू भी नहीं हो पाया, जहाँ तक गुआवा की बात करें अगर आपको गुआवा क्रेविंग होता है आप इजीली जा सकते हो उस पे, राइट बहुत सही चीज है, नेचुरल फ्लेवर से काफी ज्यादा रिलेशन रखता है ये, ऑब्वियसली ये फ्रूट जूस नहीं है ये जूसियर ड्रिंक है बट इसका फ्लेवर बहुत ही नेचुरल है क्लोज टू ऑथेंटिक स्टफ, तो आप आराम से स्विंग को ले सकते हैं, 10 रुपए का आता है, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट है इन समर्स, मैं तो इसको अप्रूव करता हूँ भाई स्विंग को, मैं भी अप्रूव करता हूँ पूरा ओवरऑल स्विंग को, ओवरऑल स्विंग को टीआई अप्रूव कर सकते हैं, लाइक यू कैन ऑप्ट इट मतलब एज अ रिफ्रेशमेंट, राइट सेफ साइड, तो ये था टीआई का रिव्यू ऑन स्विंग ड्रिंक्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तब उस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फूडी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उनको बताएं कि स्विंग भी मार्केट में आ चुका है गदर मचाने, समझे तो वो जाके ले सकते हैं, 10 रुपए का ही आता है, ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा ये और आपने ट्राई करा है तो प्लीज कमेंट में हमें लिख के जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है पढ़ के और भी कोई सजेशन जो हम लोग रिव्यू कर सके आगे के वीडियोज में वो भी बताएं, तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित हमेशा।